मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली। ओम शांति। आज की तारीख है 26/8/2022 की साकार मुरली बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रू रिहान करते हैं सर्विसबुल हैं उनका ही संग करो, बाकी जो झरमुई जगमुई करते हैं फालतू बातें सुनाते हैं उनके संग से दूर रहो। हियर नो इवल सी नो इवल। प्रश्न, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं, वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत, माता ओ माता। शांति। यह है माताओं की महिमा, तुम सब माताएं हो भारत माता शक्ति अवतार। ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है, वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में हैं। यह जो दिल वाला मंदिर है यह पूरा यादगार है, जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं यादगार होते ही इस संगम के हैं। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं, फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान, जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे, तुम्हारी बुद्धि में यह सब दर्शन चक्कर है, तुम ब्राह्मण ही सब दर्शन चक्करधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है जिसकी निशानी यह दिलवाड़ा मंदिर है और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है, पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन। ज्ञान का सागर हुआ ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने लिए, परम पिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल सथेरियम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो, जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो
तो तुम बाप के साथ निवास करते हो, यह जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर ससुर घर, वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र बेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र बेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंच ते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंच ते ऊंच है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े। बेहद का आत्मा कहती है, मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है, जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है, फिर है 8 और 108 रत्नों की बजंती माला, तो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना, बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माता की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं, सन्यासी घर वाल छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है, उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए, सब विनाश को पाते हैं, बस सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। अतिंद्रिय सुख अंत का गाया हुआ है, पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया। क्या पद पाएंगे पिछाड़ी में समझेंगे, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से, गाया भी जाता है चढ़े तो चाके बेकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए, थोड़ी ही अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है,
मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाप और बरसे को याद करो, यह नाटक पूरा होता है, हमको फिर से बरसा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे, जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा, वह होता है विक्रमा जीत संबत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट देखते चलो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान में जाना है, आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे, तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगी। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं, क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमोई झगमोई करते, किसकी निंदा करते। उनका संग हो सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। यह बातें भी नामी ग्रामी हैं, दिखाते भी हैं। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला, धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो ईवल, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं, पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं, द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वहीं जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पति से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है, याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का आर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुत्तू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा आर्डिनस है, तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूर हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए, अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं, बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं, बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते हैं।
टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है। सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे ऐसे भी नहीं। बाबा एक एक का बैठ देखेंगे, यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबर वार है, गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजुन समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है, कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सतयुग सतगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर यानी परम धाम में जाना है, यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है, सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है, दूसरों को समझाते हैं उन्हों का कल्याण हो जाता है, ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे। सन्यासियों में भी कोई बिरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर शिष्टाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्कर कैसे फिरता है, उनको भी समझाना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती हैं, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना, कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है, टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है, जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे, इस देश से दुनिया से बिल्कुल ममत्तव निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है, जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे, अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना, बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। नंबर दो, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है।
वरदान। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उठते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उठते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु यानी सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु यानी सागर बनो। ओम शांति।